ग्वालियर शहर से शराब भरकर इटारसी के लिए रवाना हुआ ट्रक अचानक लापता हो गया। ट्रक के गायब होने का पता चलते ही कंपनी ने चालक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है, जिसके बाद कंपनी के मैनेजर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर ट्रक और चालक की तलाश शुरू की, तो खाली ट्रक शिवपुरी में खड़ा मिला, जिसमें भारी मात्रा में शराब गायब है। दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र निवासी जैनेन्द्र सिंह भदौरिया ने शिकायत की है कि वो संधु ट्रांसलोटिस प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। उसकी कंपनी में मोतीझील निवासी राजपाल यादव ड्राइवर है और बीती 21 जुलाई को वो ट्रक में विभिन्न कंपनियों की शराब भरकर इटारसी के लिए निकला था, जिसे शनिवार तक इटारसी पहुंचना था और शराब की डिलीवरी करनी थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। कंपनी के लोगों ने सोचा कि शायद गाड़ी खराब या पंचर होने से वो लेट हो गया होगा, लेकिन देर रात तक वो वहां नहीं पहुंचा तो उसकी जानकारी जुटाई गई, लेकिन पता नहीं चला। मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल बंद था। मामले का पता चलते ही उसकी संबंधित रूट की तलाश की गई, लेकिन रूट पर भी कहीं उसका पता नहीं चला, तो वे लोग थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर चालक और ट्रक से गायब शराब की तलाश शुरू की, तो पता चला कि शिवपुरी के पास ट्रक खड़ा है, जिसमें 80% शराब की पेटियां गायब हैं। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि ट्रक चालक और ट्रक क्लीनर ने हादसे का रूप दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा न हो सका। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनर की तलाश शुरू कर दी है। ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का मामला है। हमारे पास फरियादी आया था कि यहाँ से एक ट्रक को लोड करके लगभग अभी 1000 से 1200 पेटियों का उन्होंने हमें बताया कि इतनी मात्रा में शराब बाहर भेजी थी, लेकिन जिस गंतव्य पर ट्रक को पहुँचना था वो नहीं पहुँचा, और जो ट्रक ड्राइवर और जो उसके हेल्पर है उन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। हमने 406 का मुकदमा दर्ज करके इसमें विवेचना चालू की, और कुछ टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर हमने पाया कि वो ट्रक शिवपुरी तक तो गया है, लेकिन उसके आगे कहीं ट्रेस नहीं हुआ है। पुलिस ने इसमें जब खोजबीन की तो ट्रक शिवपुरी के पास में खड़ा हुआ मिल गया है। उसमें से जितनी मात्रा हमें फरियादी ने बताई थी उतनी मात्रा में शराब नहीं मिली है। अब क्या वजह है, कौन उसमें से शराब को उसमें मतलब जो पेटियाँ हैं किसने उसको गायब किया है, ये अभी जाँच का विषय है। बट इसमें कुछ संदिग्ध है मामला पूरा का पूरा, क्योंकि अभी भी दोनों ड्राइवर और हेल्पर दोनों नहीं मिले हुए, बट ट्रक मिल गया है। और इसमें जो भी आरोपी होगा और जो जिनकी भी उन्होंने किसी और ने भी हेल्प की होगी, सबको वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करें। 1200 पेटी की कीमत लगा लो तुम लोग ये।